स्टूडेंट वेलकम टू एस सी पब्लिक स्कूल। मैं आपकी टीचर हिंदी व्याकरण की। मैं आपको वचन के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा क्या है? शब्द का वह रूप जो संज्ञा और सर्वनाम का एक या एक से अधिक होना बताता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है। वचन के भेद कितने होते हैं? भेद या प्रकार। वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन की परिभाषा आप देख लो। एक वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक प्राणी वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे फूल हो गया, ताजमहल हो गया, हाथी हो गया, बंदूक आदि, ठीक है। फिर क्या है बहुवचन की परिभाषा? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों वस्तुओं व स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पढ़ा था फूल, ताजमहल, हाथी ना, तो फूल में दो फूल हो गया, ताजमहल हो गया, दो ताजमहल हो गया, और क्या है बंदूक है तो दो बंदूकें हो गई आपकी, ठीक है। और बहुवचन का मतलब होता है जैसे एक वचन जैसे हो गया देश एक है और राज्य अनेक है, ठीक है। और एक चेयर है तो वो क्या है? एक चेयर है तो वो क्या है? एक वचन है ना। और बहुत सारी चेयर है तो वो क्या है? हाँ ठीक।